Hello students, I hope you all are good in your house. हम आज आपका विज्ञान कक्षा 7 के लिए पाठ्यपुस्तक जो दिया गया है उसमें से हम पढ़ेंगे. लास्ट के लेक्चर में हमने लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 13 गति एवं समय पढ़ना स्टार्ट किया था. अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे. ओके, 13.3 तक के हमने पूरा पढ़ लिया हुआ था. अब हम देखेंगे चित्र 13.4. यहाँ मैंने टिक किया हुआ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया हुआ था, उसके बाद का आज हम शुरू करेंगे. चित्र 13.4 में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है. अब आपको यहाँ पे दो आकृतियाँ दी हुई हैं. यह कौन सी, किस वस्तु की आकृति है? लोलक. अब यहाँ पे अपनी माध्य स्थिति में विराम अवस्था में दर्शाया गया है. चित्र ए में आप देख सकते हैं, ये रहा चित्र ए. जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो वह इधर उधर गति करना आरंभ करता है. लोलक है, एक जगह हम लेकर गए और दूसरी जगह हमने छोड़ा उसे, तो वह गति करना आरंभ कर देता है. अब चित्र 13.4b, सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है. यह जो लोलक एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसे हम कौन सी गति का उदाहरण मानेंगे? आवर्ती और दोलन गति का उदाहरण. जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी एवं बी से आप वापस ओ पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा किया है. अब लोलक को हम जीरो से ओ से लेकर के एक तरफ हम खींचते हैं तो ए आता है, दूसरी तरफ बी, बी की तरफ जाता है, बी की तरफ से फिर ए की तरफ से आकर के फिर ओ पर जब वो अटकता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? दोलन की गति वह पूर्ण कर चुका है. लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब उसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर अथवा बी से वापस ए पर आ जाता है. सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्ती काल कहते हैं. समझ में आएगा? सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्ती काल कहते हैं. जितना टाइम वह लेता है यानी ए से बी, बी से ए तक जाने में जितना टाइम प्रोसेस जाता है उसे हम आवर्ती काल कहेंगे. अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 13.2. लगभग एक मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 13.4a में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए. आप घर पर इन चीज़ों का आप एक्सपेरिमेंट यानी उसका प्रयोग कर सकते हैं. अब एक मीटर लंबा धागा ले लीजिए, उसमें 13.4a में दर्शाए गए एक सरल लोलक बनाइए. यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए. लोलक के गोलक को अपने माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए. आपने उसमें एक राउंड शेप में जो भी आपके पास गोले में कुछ भी हो तो उसे आपको बांध देना है वहाँ पर, और उसे जब तक वह विराम स्थिति में नहीं आ जाता तब तक उसे कंटिन्यू करना है. गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए. लोलक का आवर्ती काल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी. अब यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का भी आप उपयोग कर सकते हैं. आपको जो मैं बोल रही हूँ उस तरीके से आपको एक प्रयोग छोटा सा घर पर करना है. लोलक को गति में लाने के लिए लोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक और ले जाइए. यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक की विस्थापित कर रहे हो तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो. अब गोलक को
विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए, गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर हो, उस समय घड़ी का समय नोट कर लीजिए। माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। अब सारणी 13.2 में आपने प्रेक्षण लिखा हुआ है। अब इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलन को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। ओके, आप सभी को समझ में आया? यह हमें घर पे प्रैक्टिस करना है। नाउ चेंज योर पेज। अब सरल 13.2 सरल लोलक का आवर्तकाल यानी और अब एक बनाया गया है सारणी, उसे हम देखेंगे। अब डोरी की लंबाई हमें कितनी लेनी है? 100 सेंटीमीटर। 20 दोलन के लिए लिया गया समय और आवर्तकाल समय, अब यहाँ पे एक का हमें बता दिया गया है। 20 दोलन के लिए लिया गया समय 42 यानी 42 और आवर्तकाल 2.1। अब हम इसके नीचे का पढ़ेंगे। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ी परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं कर सकता। आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। अब की जो घड़ियाँ होती हैं उसमें एक या दो सेल वाले जो सेल होती हैं वह होती है, यानी विद्युत परिपथ उसे कहा जाएगा। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी भी कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वार्टज घड़ी किसे कहते हैं? तो आप किस तरीके की घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं तो उसे हम क्वार्टज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। अब समय तथा चाल के मात्रक के बारे में हम पढ़ेंगे। समय का मूल मात्रक सेकंड है, जिसका प्रतीक हम एस है। समय के प्रति बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है, जिसे मिनट का MIN और घंटे को H से दर्शाया जाता है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का यथाकथित मूल आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। आपने सबने घड़ियां तो देखी होगी। सबसे छोटा मात्रक किसका होता है? सेकंड का। उसके बाद मिनट का, सबसे बड़ा घंटे का यानी आवर का होता है। चाल का तथा कथित मूल मात्रक क्या है? चूँकि चाल दूरी बटे समय है, अतः चाल का मूल मात्रक मिनट या सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे कि मिनट ऑब्लिक एम ऑब्लिक मिनट अथवा KM ऑब्लिक आवर में भी, मीटर ऑब्लिक मिनट्स अथवा किलोमीटर ऑब्लिक आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 KMS अथवा 8 सेंटीमीटर CM यानी सेंटीमीटर लिखते हैं, न कि 8 CMS लिखा जाता है। अब इसके बाद वाला पढ़ेंगे हम। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों
अथवा घंटे में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। अब जैसे कि आपकी एज ही है, एज को अभी हमें काउंट करना हो, कोई हमें बोले दिन और घंटे में व्यक्त करो तो हम उसे काउंट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हम किस में काउंट कर सकते हैं? वर्षों में बहुत ही आसानी से हम गिन सकते हैं। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं होगी। हाँ, अब इसमें क्या दिया हुआ, आप घर से स्कूल आते हैं या स्कूल से घर जाते हैं, तो यह दूरी को तय करने के लिए हम क्या वर्षों यानी सालों को, इतने साल लगे मुझे स्कूल आने में, इतने साल लगे स्कूल जाने में, तो हम इस तरीके से काउंट नहीं करेंगे। हम इसे मीटर, किलोमीटर, इससे ही हम काउंट करेंगे। एक सेकेंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? ज़ोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग एक सेकेंड का होता है। अब एक सेकेंड का काल अंतराल कितना छोटा या बड़ा होता है जिसको हम देखेंगे, अब 2000 ज़ोर से हमें बोलना है, पुकारना है, तो उसमें कितना समय लगेगा? लगभग एक सेकेंड होगा। 2001 से 2010 तक ज़ोर ज़ोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी एक मिनट में 72 बार, आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ है कि हमारी जो नाड़ी होती है वह कितनी बार धड़कती है, हमारी जो पल्स वह एक मिनट में 72 टाइम्स धड़कते हैं, यानी 10 सेकेंड में लगभग 12 बार स्पंदन होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड और एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं, क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं? अब इसमें नीचे ब्लू लाइन में दिया हुआ है, हमें आप यहाँ देख सकते हैं, इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली 1642 ईस्वी का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे, उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका एक लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के समय अंतराल में उनकी नब्ज स्पंदन धड़कने की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने के समान होता है। अब इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। कमानी युक्त घड़ियों और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों की परिष्कृत रूप होती है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, अब जो हमारी जो नाड़ी है वह एक मिनट में 72 बार धड़कती है और 12 बार स्पंदन 10 सेकेंड में 12 बार स्पंदन यानी धड़कना करती है। बच्चों में यह कुछ दर अधिक हो सकती है। जब लोलक घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार में विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिज़ाइन बनाए गए हैं। ओके, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आप 13.5 के जो चित्र है आप उसे देख सकते हैं। जंतर मंतर नई दिल्ली में जो धूप घड़ी है उसके बारे में देख सकते हैं। रेत घड़ी के बारे में या जल घड़ी के बारे में भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 13.4 यानी चाल का मापन हम देखेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।